किसी को घर से ही निकलते मिल गई मंजिल, किसी को घर से ही निकलते मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उस सफर में नहीं रहा। मनोज भाई की बहुत अच्छी लाइन है। और गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आशा करता हूँ यहाँ तक बने हैं आप मेरे साथ तो अच्छे ही होंगे, कुशल मंगल होंगे। और देखते हैं आज की कहानी में क्या रंग लाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने साथ मिलजुल के। भैया क्या भाव दिए? 1 किलो का 30, 2 किलो का 50। ओ तेरी तो, इतनी गाजर जीवन में। ये तो ऐसी की तैसी कर दे यार। क्यों? हाँ भाई, फोटो निकाल रहे हो क्या? तेल है 2 किलो, हल्दी आधा किलो, सौंफ पाव, जीरा पाव, चावल 5 किलो और साबुत धनिया 100 ग्राम। चलिए भैया आगे कदम बढ़िए, चलना मेरे भाई ले ये क्विक। तू तो बहुत अच्छा लड़का निकला फिर तो। ये सामान पूरा आ गया, ठीक है, समझो कहीं तो हारो लगे। मैं स्वच्छता भारत अभियान में आपका स्वागत है, कैसे हो? अरे वाह बंटी भैया, चाय की दुकान, बंटी भैया चाय की दुकान, चाय पीने आई है बंटी भैया। चाय के साथ साथ वोडाफोन की सिम बेचते हैं, वैसे मजा आ गया बंडिया। चीयर्स बंडिया, चाय में चीयर्स होना चाहिए। चीयर्स बड़े राणा ने जीतते हैं। आ हा हा, ये मालिश और वो भी कांति के हाथों से, मजा ही आ गया। ओ मेरा भोला है भंडारी। आ हा हा हा, कांतिविया की शॉप A1, मजा आए। क्या मेरे को, मैं कहता हूँ ना यार, मैं जो फील कर रहा हूँ तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम यहाँ पे हो ही नहीं। फील करना है तो यहाँ आ जाओ, फील करो। क्या भाव दिया भैया? क्या दाम है भैया? 25। ओके चलो बढ़िया है। ये आपको पता ही ना क्या चीज है, टिक 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 टिक। ना आपसे कि अगर फूल की बाड़ी, यू नो फूल की बाड़ी और कांटों की बाड़ी नहीं तो धतूरे। सर है विश्वजीत साहब हैं, आज ही मिले हैं हम इनसे, और वेरी नाइस पर्सन। आप कहते हो ना कि कभी खुद से मिलो, मुश्किल है या आसान है? सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है खुद से मिलना, लोग तो डर के भागते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत इंप्रेस हुआ आज का इंटरेक्शन। बहुत दिनों बाद एक जो अध्यात्म की भूख थी उसकी कुछ क्षुधा शांत हुई है। We need to interact on the very regular basis. बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम टच में रहेंगे, जरूर रहेंगे, जरूर मिलेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती वक्त मुझे। अरे नहीं, क्या बात है। और आई लव यू ऑल, हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज अच्छी मीटिंग रही, अच्छी फूलों की बाड़ी में घूमे, भाई साहब से बात की, अच्छा लगा, बहुत मन खुश हुआ। और एक कुछ नया आने वाला है, अभी मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ कि क्या नया है, थोड़े दिन रुक जाइए। कुछ है नया आप सभी के लिए है। अगर आप पैसा कमाने चाहते हैं तो आपके लिए भी है, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी है, और मतलब है बहुत कुछ है। देखो समय पर ही सब मिलता है, क्योंकि बिना समय के कोई चीज आपको नहीं मिलती, क्योंकि समय का बहुत बड़ा खेल है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमदर्द जो भी हैं, क्योंकि समय पे है ना आप
बहुत भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए, क्योंकि सारा खेल समय का ही तो है। चलो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं कि अगर आप आज पहली क्लास में हैं और आपको दसवीं क्लास पढ़नी है तो समय तय है कि आपको 10 साल तक पूरी मेहनत करनी है, एक वो पहली क्लास की और 9 क्लास और। लेकिन शर्त यह है कि आप ईमानदारी से और सच्चे मन से मेहनत करेंगे, क्योंकि अच्छा वो सुना होगा ना कि मन तेरा सच्चा है और कर्म तेरे अच्छे हैं, तो मतलब कहते हैं ना कि कर्म तेरे अच्छे हैं, लाइक ऐसा है ना कि घर में ही मथुरा काशी है, मुझे पूरा नहीं पता लेकिन हाँ मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो समय का ही खेल है, बात चल रही थी क्लास की एग्जाम्पल की, तो आपको 10 साल मेहनत करनी है ईमानदारी से, शिद्दत से, पूरे मन से, आपको जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी आप दो, लेकिन वो तय है। इन बिटवीन ऊपर वाला ना चाहे या फिर उसकी मर्जी से पन्ना भी नहीं हिलता, वो एक अलग चीज है, उसकी वजह से कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम फेल हो गए, तुम्हारे सप्लीमेंट्री आ गई, तो फिर आपके वो साल और काउंट कर लो, फिर आप टारगेट से भटक जाओगे, आपने वो टारगेट छोड़ दिया, भूल गए उसको, तो फिर वो आपको कभी पूरा नहीं होगा। तो उसी तरह ही जीवन में भी कुछ होता है, आपको समय पर ही मिलता है। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। भरोसा रखिए, महादेव हमारे साथ हैं। हर हर महादेव, लव यू ऑल।